जी हाँ फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि WRX का प्राइस लगभग 26-27 रुपए तक पहुंचा, यानी कि लगभग 50% का इंक्रीज हमने इसमें सडनली देख लिया। इसका रीजन भी आप शायद जान ही चुके होंगे कि जो फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उनको बैन करने की बात करी जा रही है, ऑलरेडी शैडो बैन की बात भी करी जा रही है। तो जो क्रिप्टो बैन की बात पहले करी जा रही थी वो आज फिर से शुरू हो चुकी है, और इसके पीछे कई सारे रीजन है। टैक्सेस तो है ही, TDS तो है ही, इसी के साथ साथ ये भी है कि अभी ये ईयर एंड होने वाला है, यानी कि जनवरी आएगा जो तो कैलेंडर ईयर होगा, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो मार्च तक अभी समय है। 2-3 महीने के अंदर इनको कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। और ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं उनको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, इंडियन एक्सचेंजेस सर्वाइव नहीं कर पा रही इंडिया में। हालांकि इसका जो सबसे बड़ा कारण वो गवर्नमेंट ही है, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी मुद्दे को लेकर कि आखिर क्या होने वाला है, क्या फॉरेन एक्सचेंजेस सारी बैन कर दी जाएंगी या नहीं करी जाएंगी, और अगर इसका कोई प्रॉपर ऑल्टरनेटिव है तो ऑल्टरनेटिव क्या है वो भी आपको मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो एक्चुअल में नोटिस क्या है वो भी हम थोड़ा डीप डिटेल में जाएंगे, ताकि आप हर एक चीज को थोड़ा और अच्छे से समझ पाएं। और हाँ, यहाँ से जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो इंडियन प्रोजेक्ट्स के ऊपर, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर पड़ने वाला है, वो भी मैं आपके साथ बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ्टेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूँ, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आगे बढ़ने से पहले आप जानते होंगे कि ये सब क्यों किया जा रहा है। हम जानते हैं कि अभी जो क्रिप्टो मार्केट है बेहतर होती जा रही है, दिन ब दिन क्या है कि धीरे धीरे BTC ऑल्ट कॉइन्स सभी का प्राइस बहुत अच्छा जा रहे हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स जब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केट अच्छी चल रही है, तब क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई ना कोई हमेशा एक्शन लेती है कि अगर आप पैसा कमा रहे हो तो वो पैसा हमारे साथ शेयर करो, यानी कि गवर्नमेंट कहती है मुझे पैसा दो। बिल्कुल वैसे अभी ये बुरा लग रहा है हमारी इंडियन एक्सचेंजेस को कि अगर कोई भी पैसा कमा रहा है या फिर ट्रेडिंग लगातार करी जा रही है तो वो ट्रेडिंग इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर ही हो और फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर ना हो। अब हम सच तो जानते हैं कि इंडियन एक्सचेंजेस हम क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं या फिर यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे। मेजर रीज़न ये कि गवर्नमेंट ने 1% का TDS लगाया, अगर कोई एक बार बाय करता है तो 1% तो सीधा ही चला जाएगा, अगर सेल करता है तो 1% फिर से चला जाएगा, यानी कि अगर आपने 1,00,000 का ट्रेड लगाया तो उसमें से 1,000 रुपया तो वहीं TDS का ही चला जाएगा। अगर हम फी की बात करें तो वो भी परसेंटेज है, वो भी कुछ परसेंट आपकी फीस में चली जाएगी, यानी कि बहुत बड़ा हिस्सा क्या है कि आपका फीस TDS चीज़ों में चला जाएगा और आप ट्रेड तो कर ही नहीं पाओगे। यही एक बड़ा कारण है कि क्यों हम इंडियन एक्सचेंजेस को यूज़ नहीं करते हैं। तो बात यहाँ पे सिर्फ ट्रेड करने की नहीं है, यूज़ करने की नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ क्या है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम तो शिफ्ट हुआ ही है। जो मेजर एसेट्स है हमारे सबके, जो क्रिप्टो करेंसीज पड़ी हुई थी, ऑल्टकॉइंस पड़े हुए थे इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर, वो भी धीरे धीरे शिफ्ट किए जा चुके हैं, यानी कि उनको मूव कर लिया गया है फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर। अब फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर अगर इतने बड़े एसेट्स गए हैं तो इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर ना तो एसेट्स पड़े हैं, यानी कि ना ही मार्केट का कैप है या वॉल्यूम है, कुछ भी नहीं है इन एक्सचेंजेस के ऊपर। लगभग 99% का फॉल आया है, सिर्फ 1% वॉल्यूम ही बचा है। अभी हम बोल सकते हैं 1-5% ही इतना वॉल्यूम बचा है। अब इससे एक्सचेंजेस को क्या लॉस हो रहा है कि एक्सचेंजेस रन तो हो रही हैं लेकिन उनकी अर्निंग नहीं हो रही है, बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हो रही है। तो उनको दिल पे यही लग रहा है कि ये अर्निंग जो इनको होनी चाहिए थी वो फॉरेन एक्सचेंजेस को क्यों हो रही है। तो ये तो मेन मुद्दा है कि क्यों ये सब हुआ है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो एक्चुअल में कल के दिन न्यूज़ आई थी, जो कि पिछली रात आई थी, लेट नाइट आई थी। हमारा जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है, FIU के नाम से है, तो उन्होंने बताया कि 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स, जिनको VDA SPs भी बोला जाता है, या फिर आसान भाषा में क्रिप्टो एक्सचेंजेस, उनको शो कॉज का नोटिस भेजा गया है, ये बोलकर कि उनके URLs को बैन किया जाएगा क्योंकि वो इलीगली काम कर रहे हैं, इलीगली ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, जो कि कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं प्रोविजंस ऑफ PML Act इन इंडिया। PML का अगर आप नहीं मतलब जानते तो वह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो यहाँ पे जिन जिन एक्सचेंजेस का नाम लिया गया वो है बाइनेंस, क्यूकॉइन, हाउबी जिसको HTX भी बोला जाता है, करेकन, गेट, बिट्रेक्स, बिटस्टैम, MEXC ग्लोबल, बिटफिनेक्स। तो यहाँ पे लगभग सारी अच्छी एक्सचेंजेस को इन्होंने ऑलरेडी लिस्ट में डाल दिया। यहाँ पे लिस्ट में डालने का कारण सबसे बड़ा तो यही है कि इनको ये चीज़ क्लियर है कि कहाँ कहाँ पे अमाउंट डाला जा रहा है। अगर आप नहीं जानते तो WZIRX से जब भी आप ट्रांसफ़र करते हो तो वहां पे बोला जाता है या फिर आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से एक्सचेंज के ऊपर अपने करेंसीज को ट्रांसफर करना चाह रहे हो या फिर विड्रॉ करना चाह रहे हो। तो वहां पे हमें सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा एक्सचेंज है और कौन सा एड्रेस है, और ये भी वहां पे एक चीज लिखी होती है कि आपका एड्रेस सेम ही रहेगा। इससे क्या है कि जो हमारे इंडियन एक्सचेंजेस हमारा डाटा इकट्ठा कर रही हैं कि हम कौन कौन सी बाहर की एक्सचेंजेस यूज कर रहे हैं और हमारा एड्रेस कौन सा है, कहाँ पे हम अपना अमाउंट अपनी करेंसीज को डाल रहे हैं, जिससे क्या है कि इन्होंने ट्रैक किया और यहाँ पे टोटल 9 एक्सचेंजेस निकाली हैं और 9 एक्सचेंजेस को इन्होंने एक नोटिस इशू कर दिया है।
तो इन्होंने कहा कि इन्हें सारी एक्सचेंजेस को रिक्वायर्ड है कि ये रजिस्टर करें विद FIUI इंडिया एज रिपोर्टिंग एंटिटी एंड कंप्लाई विद द सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एज मैंडेटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि इनको कंप्लाई करना जरूरी है जो कि अभी तक ये नहीं कर रहे थे। इसी के साथ इन्होंने कहा कि लगभग 31 ऐसे VDAs हैं यानी कि ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है इंडिया में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का ऑलरेडी लॉस हो रहा है। लॉस क्या हो रहा है कि इनका जो पैसा बनना चाहिए था वो पैसा इनका नहीं बन रहा है, एक तो TDS के द्वारा, टैक्सेस के द्वारा और जो ट्रांसपेरेंसी है उसके द्वारा भी। इनमें से कौन कौन सी आती है मैं आपको मेन बता देता हूँ। CoinDCX है, BitBNS है, JOTUS है, ZEPPAY, WazirX, CoinSwitch, Kuber, CoinSwitch X, Mirdrex, BioCoin, RareIO, Sun Crypto, तो ये तो सारी मेन होगी। बाकी और भी छोटी मोटी एक्सचेंजेस हैं जैसे कि ऑन रैम्प है, ओनो कॉइन है, ANQ फाइनेंस है, जिनको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी एक्सचेंजेस के नाम तो आ ही गए, लेकिन यहाँ पे जो फॉन्ड के एक्सचेंजेस हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बताई है कि बायनेंस इसमें इनका हर एक चीज़ का एड्रेस तक बताया गया है, जैसे कि सेशेल्स में है, कैमन आइलैंड्स में है, स्विट्ज़रलैंड में है, तो सब कुछ हर एक चीज़ बताई गई है कि कहाँ कहाँ की ये कंपनीज़ हैं जो कि कंप्लाई नहीं कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउबी का बताया गया कि हांगकॉन्ग की है, सिंगापुर की है, करेकन, यानी कि इनके जो रजिस्टर्ड एड्रेस हैं। तो सारी बड़ी एक्सचेंजेस किन्होंने एक लिस्ट में डाल दिया और बोल दिया कि ये इन सभी को बैन किया जाएगा। अब अभी तक जो अपडेट आ रही थी वो सिर्फ यही आ रही थी, लेकिन इसी के साथ साथ जो नई और लेटेस्ट अपडेट आ रही है वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि जो इंडियन लोकल क्रिप्टो एंड वेब 3 एडवोकेसी बॉडी है, जिसमें जो मेजर एक्सचेंजेस के बंदे हैं, उन्होंने मिलकर यहाँ पर ये एक्शन लेने की ठानी है। तो यहाँ पे भारत वेब 3 एसोसिएशन BWA के जो चेयरमैन है, उन्होंने भी लेटर दिया इंडियन गवर्नमेंट को, जो कि दिसंबर 16 की दिया गया था, जिसकी वजह से ही ये आउटकम निकल करके आया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ थोड़ी और क्लियर की जा रही है कि 2 हफ्तों का नोटिस पीरियड दिया गया इन बाहर के एक्सचेंजेस को कि या तो वो रजिस्टर करें, कंप्लाई करें, या फिर उनको बैन किया जाएगा। और उनके URL के बैन की पहले भी बात करी जा चुकी है। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको एक लिंक दिया नीचे बिटमार्ट का, तो ये एक ऐसी एक्सचेंज है जो कि इन लिस्ट में नहीं है, यानी कि इसको बैन नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो नए कॉइन्स सबसे पहले आते हैं मार्केट में वो बिटमार्ट के ऊपर ही आते हैं, और उसके बाद ही ये बायनेंस या फिर STX जैसी एक्सचेंजेस के ऊपर आते हैं। और यहाँ पे तीसरी बात ये कि मैं आपके साथ कुछ कैंपेन शेयर करता रहता हूँ, जो ऑलरेडी मैं टेलीग्राम के ऊपर बताते ही रहता हूँ, पिछले भी कुछ वीडियोस में आपको बताया था, और हमने एयरड्रॉप ऑलरेडी अनाउंस किया था, कुछ लोगों को मिल चुका होगा और कुछ लोगों का अभी बाकी है। तो अगर आप बिटमार्ट यूज़ करते हैं तो इसमें मैं जो भी हो सकता है सब कुछ आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ, ताकि आप भी बिटमार्ट से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर पाओ और एयरड्रॉप्स भी आपको मिल पाएँ। तो ये तो एक ऑप्शन मैंने दे दिया कि आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डेक्स यूज़ कर रहे हो या फिर एक वॉलेट यूज़ कर रहे हो, तो वो टोटली डिफरेंट थिंग है कि अगर आप सेफ्टी के लिए अपने वॉलेट के ऊपर रखना चाहते हो तो ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क इनके ऊपर रख सकते हो, या फिर एक हार्डवेयर वॉलेट आप ले सकते हो। हार्डवेयर वॉलेट मेरे पास भी पड़ा है, मैं भी यूज़ करता हूँ। अगर आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर करें, तो कमेंट में हार्डवेयर वॉलेट लिख देना, मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँगा कि उससे आपकी सेफ्टी कितनी है। तो कल रात को जो फाइनल डिसीजन लिया गया था उसमें यही था कि जो URLs हैं इन 9 एक्सचेंजेस का बंद किया जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने पहले भी देखी है, चाहे वो PUBG गेम को लेकर हो, चाहे वो पॉन साइट्स को लेकर हो, तो काफ़ी सारे ऐसे URLs को बंद करने की बात करी गई थी। तो वो हमें भी पता है कि VPN यूज़ करके हर कोई URLs को एक्सेस कर सकते हैं, VPN लगा के एक्सचेंजेस को भी एक्सेस किया जा सकते हैं। लेकिन बात यहाँ तक नहीं है, जो WazirX के वाइस प्रेसिडेंट हैं राजपाल मेनन, वो इससे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इनकी एक्सचेंज के ऊपर, खासकर WazirX के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था, और WazirX के ऊपर ये अभी सबसे ज़्यादा लॉस चल रहा है, ये अभी एक लॉस मेकिंग एंटिटी बन चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये होने वाली है, ये भी आपको क्लियरली बता दूँ कि एक महीने का पीरियड दिया गया कि एक महीने के अंदर इन एक्सचेंजेस को FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंडर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी, और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वही हो जाएगा, यानी कि इसके ऊपर भी TDS लगाना ही पड़ेगा इन एक्सचेंजेस को। अब बात यहाँ पे जो सामने दिखाई जा रही है वो यही है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, या फिर टेररिस्ट फंडिंग को ये स्टॉप करना चाहते हैं, यानी कि उसको रोकना चाहते हैं। हालांकि उन चीज़ों को एकदम से या फिर पूरा कभी नहीं रोका जा सकता, और अगर ये सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन करके, एक्सचेंजेस को बैन करके रोका जा सकता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, लेकिन गवर्नमेंट के एक्शन लेने के पीछे हमारे इंडियन एक्सचेंजेस का ही हाथ है, या फिर BWA जो एक एसोसिएशन है इनका भी हाथ है। लेकिन आखिर में मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या आप 1% TDS 30% टैक्स देने के लिए रेडी हैं या नहीं है, एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।
और इसका मैं सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ टेलीग्राम के ऊपर कि इसका एक और बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। आपको मैंने डेक्स का बताया, आपको मैंने यहाँ पे हार्डवेयर वर्ल्ड का बताया, उसके अलावा भी एक सोल्यूशन है जो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर बताने वाला हूँ। वॉल्फ्रेड डिस्कस के ऊपर आप आ जाओ या फिर वॉल्फ्रेड ऑफिशियल हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर आ जाओ तो यहाँ पे मैं आपको अपडेट करने वाला हूँ। तो ये वीडियो यहीं तक था, मैं इसकी और थोड़ी डिटेल लेकर आने वाला हूँ जो कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दो और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक हमारी नेक्स्ट वीडियोस भी हमेशा सबसे पहले पहुंचे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।